والله يرزق من يشاء بغير حساب. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए उन्हें आप नोट डाउन कर लें। चावल हैं आधा किलो, आधा किलो चावल की बिरयानी बनाएंगे। बिरयानी के लिए आप मेक श्योर कर लें कि अच्छे चावल होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के। और चिकन है यहाँ पर आधा किलो। प्याज दो अदद मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर लार्ज लेंगे, बड़े साइज़ के दो। घी या ऑयल आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। घी है मेरे पास आधा कप और दही इसमें जाएगा एक कप। और बिरयानी मसाले का एक पैकेट, नेशनल बिरयानी मसाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और नमक इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 5 अदद हरी मिर्च लेके उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। और सिरका इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून, ज़र्दा रंग 2 चुटकी, और लेमन के छोटे से स्लाइसेस लिए हैं, थोड़े से एक अदद लेमन के स्लाइस कर लिए हैं। 7 से 6 अदद इधर लिए हैं मैंने आलू बुखारे के दाने। 1 टेबल स्पून इमली जाएगी। 2 तेज़पात लिए हैं, 1 मोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 अदद लौंग, 2 अदद ये दालचीनी के टुकड़े, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। तो स्टार्ट करते हैं बिरयानी बनाना। और यहाँ पर यह भी कुछ इन्ग्रीडियंट्स हैं मेरे पास, जो बिरयानी को तह लगाएंगे तो उस वक्त इसमें डालेंगे। कुछ स्लाइसेस लेमन के हैं, कुछ पुदीने के पत्ते, हरी मिर्च, धनिया है, और जूलियन कटी हुई इसमें अदरक जाएगी। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। दही डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, और ये बिरयानी मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारा चिकन मैरिनेट कर लिया है, इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे ढक के। यहाँ पर अब चूल्हे को ऑन कर लेते हैं और बर्तन में घी ऐड कर देंगे। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया, थोड़े से प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे। वही प्याज जो मैंने आपको दिखाए थे, उसी में से थोड़े से प्याज डालेंगे। प्याजों का कलर ब्राउन करना है। ब्राउन हो गए, चूल्हा बंद कर लेते हैं और प्याजों को निकाल लेंगे। अब जो प्याज बच गए हैं वो भी सारे इसमें ऐड कर देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेंगे। प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसके अंदर अब मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बर्तन के अंदर जो मसाला लगा हुआ था उसमें मैंने 1-2 चम्मच पानी का डाला है और इसके अंदर डाल दिए। पानी वैसे तो नहीं डालते, उसके अंदर थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था इसलिए मैंने 1-2 चम्मच डाल दिए। वैसे तो इसमें दही है, इसी में ये अच्छे से गल जाएगा। अब ढककर इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं चिकन को, खोल के देख लेते हैं। दरमियान में मैंने इसे हिला लिया था, ऊपर नीचे कर लिए थी सारी बोटियाँ। फ्लेम अब हाई कर देंगे, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक खुले से बड़े से बर्तन में पानी डाल लिया है चावल बॉईल करने के लिए। इसके अंदर अब गरम मसाला भी ऐड कर दिया है और साथ ही नमक भी ऐड कर देंगे और बॉईल आने का वेट करेंगे।
फ्लेम इसकी हाई कर दिया ताकि जल्दी से बॉयल आ जाए। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। एक दो मिनट हो गए हैं, अब इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। फ्लेम मीडियम टू हाई रखनी है। टमाटरों को नरम करने के लिए फिर से दो तीन मिनट बंद कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। यहाँ पानी में अच्छे से जोश आ गए, इसके अंदर सिरका ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। और साथ ही चावल ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस आराम से थोड़ा सा, ताकि हर जगह पे चावल चले जाएं, एक जगह पे ना इकट्ठे हो जाए। बस जब चावल एक नहीं रह जाएंगे फिर इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। चावल बॉईल करते वक्त फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। इस तरफ देखते हैं टमाटर कहाँ तक पहुँचे। नरम थोड़े से हो चुके हैं टमाटर, इसका पानी खुश कर लेंगे, कुछ उस वक्त भी हो जाएंगे। चावल बॉईल होते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए। ये देखें, ऐसे दबाने से जब टूट जाए तो समझो हमारा चावल पक गया। यहाँ पर अब एक कनी रह गई है, इसे उतार लेंगे, इनका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। पानी यहाँ पर तकरीबन खुश्क हो चुका है, इसके अंदर अब ये इमली, आलू बुखारा और लेमन ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर 1-2 मिनट हो गया भूनते हुए, चूल्हे को बंद कर लेते हैं। सालन रेडी हो चुके हैं, अब बिरयानी की तह लगाएंगे। बर्तन के नीचे मैंने तवा रख दिया ताकि हमारे चावल नीचे ना लग जाएं। सबसे पहले चावल डालेंगे, अच्छे से हर तरफ फैला लेंगे। अब इसके ऊपर सालन डालेंगे। फिर से चावल डालेंगे। हमारे चावल थोड़े से इसलिए इतनी तह लगेंगी, ज़्यादा होते तो ज़्यादा तह लग जाती। इसके ऊपर जो प्याज वो फ्राई करके निकाली थी वो डालेंगे, साथ ही धनिया और पुदीना, सब्ज़ मिर्च, लेमन, अदरक और ज़रदा रंग भी ऐड कर देंगे। और 5 मिनट के लिए दम पर लगा लेंगे। पहले 1 मिनट फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, उसके बाद लो कर देंगे। अब खोल लेते हैं, खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, निकाल लेंगे आप प्लेट में। मज़ेदार सी बिरयानी यहाँ पर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।